कोडरमा जिला प्रखंड डोमचाच बंगा खलार पंचायत लेवड़ा गांव में चापाकल नहीं होने के कारण से रन्नी देवी को कुएं का गंदा पानी पीना पड़ता है। रन्नी देवी के अलावे 150 लोग इस समस्या से प्रभावित है। बहुत परेशान हमने के है, बोल पानी बोल घर से बहुत एक किलोमीटर जाल परू है तो वहाँ पानी है एकदम गंदा गंदा पानी, बोल छान करके घर लाते हैं, ला करके वह उसने बोला पी रहा ये पानी के गढ़ा के पानी के लावे की चलती। एक बार पर साल बैसाख में सांप भी हमारा काट लिया वो गढ़ा से पानी, पानी हाँ पानी के चलते गढ़ा से तो पानी भी पानी लाने के लिए हम गए तो उधर से आ रहा थे तब सांप हमारा काट लिया। तो ये डर बना रहता है कि उतना दूर से पानी लेंगे तो सांप काट लेगा। तो आपका गांव में चापाकल नहीं है तो आप लोग पानी कहाँ से लाके पीते हैं? एक किलोमीटर जाना पड़ता है सर। तो वहाँ क्या है चापाकल या कुआं क्या से पानी लाते हैं? पानी लाते हैं तो वो गंदा पानी है कुआं। तो क्या से लाते हैं पानी तो, कुआं से या चापाकल से? नहीं कुआं से लाते हैं, तो कुआं से लाते हैं तो छान करके लाते हैं गंदा हो गया पानी। तो ये पानी हमेशा इसी तरह गंदा रहता है या अभी? चापाकल जो है कि बंद हो गया कम से कम 15-20 साल हो गया है, अभी तक कोई सुनवाई ही नहीं कर पाया है कोई, तो इसीलिए हम लोग त्रास कर रहे हैं कि इसके लगाव पर में जैसे कि फिर हमको लोग चापाकल देना होगा जिस रूप से देना होगा। पानी बिना हम लोग त्रास हो और या कुआँ जैसे एक किलोमीटर आगे जाते हैं तब पानी लाते हैं, जो गंदा पानी लाते हैं उसको छान करके लाते हैं। नाना धोना आप लोग कहाँ करते हैं? वहीं कुआँ पर करते हैं। अच्छा, इस गांव में लगभग कितना संख्या होंगे टोटल? एक कम से कम मान कर चलिएगा तो मेरा हमारा संख्या अगर तो बाल बच्चा लेकर के तो होगा। अतः आप सभी दर्शकों से विनम्र अपील करती हूं, प्रखंड विकास पदाधिकारी डोमचाच श्रीमान नारायण ठाकुर उनका मोबाइल नंबर 9661-1731-32 पर कॉल करके इस समस्या से अवगत करावें ताकि जल्द से जल्द लेवड़ा गाँव में एक नया चापाकल निर्माण हो और वहाँ के लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल सके। मैं डिम्पी देवी, जिला कोडरमा, झारखंड से, इंडिया अनहर्ड के लिए।